अच्छा बच्चों, ये टॉपिक हमारा है अबाउट लाइट। लाइट के बारे में आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है उसको बेटर करने के लिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, विच इज़ डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई, जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन आई से, मतलब जिसे हम देख सकते हैं। तो हमें जितनी भी लाइट दिख रही हैं, ठीक है, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब एक इलेक्ट्रिक कोई फेज़ होगा, उसका एक मैग्नेटिक फेज़ होगा, जो कि कहाँ होंगे? 90 डिग्री पे एक दूसरे से रहते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फेज चल रहा है तो ये मैग्नेटिक फेज चलेगा, ठीक है, ये 90 डिग्री पे वेव्स चलेंगे, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बेसिक एग्जांपल हमें जो सन से लाइट मिलती है, ठीक है, वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें क्या है, यही लिखा हुआ है, EMR बोलते हैं, एनर्जी रेडिएशन हैविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे एक दूसरे से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रेंज की। रेंज हम कितनी ले रहे हैं? 400 से 700 नैनोमीटर, उसी को हम लाइट बोलते हैं, ठीक है। 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट हम देख सकते हैं। लाइट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड टू हैव पार्टिकल फॉर्म मेड अप ऑफ फोटॉन्स। अब हमने दो बातें सुनी होंगी, ठीक है, अलग अलग बात की थी साइंटिस्ट ने कि क्या हो सकता है लाइट, किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में हो सकती है या फोटॉन्स के फॉर्म में हो सकती है। फोटॉन्स क्या होते हैं? एक पॉकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मेन बात आती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? C इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स इज सीन इन द वाइट लाइट। वाइट लाइट में हमें क्या दिखता है? स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स दिखता है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। ये विबग्योर में अलग अलग कलर की लाइट एक दूसरे से कैसे डिफर कर रही है? क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ मतलब ये एक कोई वेव है, उसकी लेंथ हम पढ़ते हैं क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ, याद आ रहा होगा। उस हिसाब से हम वेवलेंथ पता करते हैं उसकी, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी जितनी कम वेवलेंथ होगी उस हिसाब से हम उसका कलर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में स्पेशल पॉइंट क्या थे जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या हो सकती है? पार्टिकल भी हो सकती है और वेव नेचर में भी हो सकती है, ठीक है। फोटोन इज पार्टिकल इन लाइट विच इज़ लाइक पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या होता है? पार्टिकल ऑफ लाइट होता है, जो पैकेट ऑफ एनर्जी की तरह होता है। तो ये ओवरऑल था आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लाइट। ऐसे ही केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए ये चैनल आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।